हेलो गाइस, आज हम अ साइन ऑफ अफेक्शन के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में इत्सोमी यूकी को शिन के घर लेकर गया था और उसे बताया था कि यूकी उसकी गर्लफ्रेंड है। शिन कहता है, क्या मैं इससे पहले कभी मिला हूँ? इत्सोमी कहता है, हाँ क्यूया के बार में मिले थे, पर उस टाइम तुम ड्रंक थे। अब सब घर में जाते हैं और शिन के पास सीडी का कलेक्शन था, जिसे देखकर यूकी सरप्राइज हो जाती है और उसे कुछ टैडी भी दिखते हैं जो उसे क्यूट लग रहे थे। शिन इत्सोमी से पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ड्रिंक करती है? इत्सोमी मना कर देता है। शिन पूछता है, वो किस टाइप की म्यूजिक सुनती है? इत्सोमी बताता है, वो सुन नहीं सकती। शिन पूछता है, तो फिर तुम बात कैसे करते हो? इत्सोमी बताता है, यूकी उसके लिप्स रीड करती है और फोन पे चैट्स और साइन लैंग्वेज से वो बात करते हैं। शिन को याद आता है, अम्मा ने उसे बताया था इत्सोमी साइन लैंग्वेज सीख रहा है और रीजन उसे अब समझ आ गया है। शिन सबको चाय ऑफर करता है और पूछता है, डेट के लिए किसने पूछा था? इत्सोमी कहता है, मैंने। शिन कहता है, मुझे लगा था तुम किसी फॉरनर को डेट करोगे। इत्सोमी कहता है, मेरा रिलेशनशिप में आने का कोई प्लान नहीं था, पर मैं जब से यूकी से मिला, मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं उससे मिलने लगा। शिन यूकी से पूछता है, तुम समझ पा रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? यूकी हाँ कहती है। शिन पूछता है, क्या तुम इत्सोमी से प्यार करती हो? ये सुनते ही यूकी लाल हो जाती है और मन में कहती है, मैंने उसे ये कभी नहीं बताया, क्या मुझे अभी बताना होगा? वो इत्सोमी को साइन लैंग्वेज में लव का साइन शो करती है और इत्सोमी शिन को कहता है, हाँ वो करती है। शिन कहता है, वैसे तो मैं साइन का मतलब नहीं समझता, पर ये वाला तो मैं भी समझ गया, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। वो कहता है, मैं अम्मा को भी बता दूंगा, वो तुम्हारे मुँह से नहीं सुन पाएगी, पर मैं डैमेज को कम कैसे करूंगा? वो हाई स्कूल से ही तुम्हारे लिए पागल है, मुझे नहीं लगता वो मूव ऑन कर पाएगी। इत्सोमी कहता है, तुम क्या करने वाले हो? शिन बताता है, वो लॉन्ग टाइम से फ्रेंड्स हैं और उसके कुछ भी करने या कहने से सच्चाई नहीं बदलेगी। यूकी रियलाइज करती है कि वो कोई सीरियस बात कर रहे हैं, इसीलिए वो उनके लिप्स रीड नहीं करती। कुछ टाइम बाद दोनों शिन के घर को लीव करते हैं और यूकी सोचती है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, पर शिन बहुत अच्छा लड़का है। इत्सोमी पूछता है, तुम नर्वस थी ना? यूकी हाँ कहती है। इत्सोमी कहता है, मुझे याद आया, क्रॉसिंग पे तुमने मुझे मिसरीड कर लिया था ना, किसको हक समझ लिया था ना? यूकी लाल हो जाती है और हाँ कहती है। वो पूछती है, क्या वो किस तुम्हारा ये कहने का तरीका है कि तुम वापस आ गए हो? इत्सोमी कहता है, नहीं, उस टाइम तुम मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, एक स्टोवर्ट की तरह। वो कहता है, अब से मुझे जब भी किस करना होगा मैं तुम्हें सिग्नल दे दूंगा। वो उसके बहुत क्लोज आ जाता है। यूकी को लगता है वो किस करना चाहता है, पर वो उसके चिक्स को पिंच करता है। यूकी मन में कहती है, तो जब भी ये ऐसा करेगा मतलब ये किस करेगा? इत्सोमी कहता है, अगर तुम्हें करना हो तो तुम भी मुझे पिंच करना। यूकी को बहुत शर्म आ रही थी। इत्सोमी कहता है, तुम्हें आदत हो जाएगी। दूसरी तरफ शिन क्यूया को कॉल पे बताता है, मैं रात को पीने आऊंगा और इत्सोमी ने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा दिया है, क्या मुझे अम्मा की तरफ अपने कदम बढ़ाने चाहिए? क्यूया कहता है, हाँ क्यों नहीं। शिन कहता है, मुझे हमेशा से लगता था इत्सोमी के दिल में कहीं ना कहीं अम्मा के लिए फीलिंग्स है। क्यूया कहता है, मुझे नहीं लगता। उसके बाद शिन अम्मा को मैसेज करता है, तुम्हारी छुट्टी कब है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब एक दिन यूकी कॉलेज जाते हुए सोचती है, सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया है और मैं फर्स्ट ईयर के मुकाबले बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ अम्मा शिन के सैलून आती है, वो बहुत बोलती है, तो वो बोलती ही जा रही थी और उसमें एक बात सामने आती है। वो कहती है, तुम्हें याद है कैसे तुमने स्कूल के छत पे मेरे बाल बनाए थे? तुम मेरे बुरे टाइम में हमेशा मेरे साथ थे, मैं भी तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगी। शिन मन में कहता है, मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ? और हम उनके स्कूल का फ्लैशबैक देखते हैं। एम्मा शिन के साथ थी, फिर इत्सोमी का न्यू एडमिशन हुआ था और एम्मा उसे देखने के लिए भागते हुए गई थी। फिर जब शिन छत पे गया था तो इत्सोमी वहाँ पे स्नैक्स खा रहा था। उसने शिन से कहा था, ये तुम्हारी जगह है ना, अगर मैं यहाँ खाऊं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इस तरह उनकी बात स्टार्ट हुई थी। फिर दोनों ने एक दूसरे का नाम पूछा, पर पहल इत्सोमी ने करी थी। फिर किसी दूसरे दिन शिन छत पे गया था और उसे वहाँ इत्सोमी नहीं मिला, वो गाने सुनने लगा। तभी एम्मा इत्सोमी को ढूंढती हुई छत पे आई। शिन ने बताया उसने उसे नहीं देखा। एम्मा ने नोटिस किया वो गाने सुन रहा था। उसने कहा, तुम अभी भी वायर्ड ईयरफोन यूज करते हो? शिन कहता है, इसका साउंड अच्छा होता है। और एम्मा उसके साथ बैठकर गाने सुनने लगती है। कुछ ही टाइम में उसे याद आता है लंच ब्रेक खत्म होने वाला है, इसीलिए वो चली जाती है। अगले सीन में वो शिन को सीडी ऑफर करती है। शिन कहता है, मैंने नहीं मांगी। एम्मा कहती है, इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। शिन कहता है, पर तुम्हारे पास तो बहुत सारे है ना? एम्मा कहती है, दोस्ती टायरिंग हो गई है। शिन पूछता है, कुछ हुआ है क्या? एम्मा कहती है, मेरे लिए कुछ सही नहीं हो रहा है, पर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसे बदलना मेरे हाथ में नहीं, और उनके लिए खुद को बदलना मुझे सूट नहीं करता, इसीलिए अभी मैंने अकेले रहने का फैसला किया है। ये कहकर वो चली जाती है और शिन घर पे उसी सीडी को देखता रहता है। अगले सीन में वो छत पे था, स्कूल की छत ही उसका अड्डा थी। एम्मा उसे ज्वाइन करती थी और इत्सोमी को भी वो जगह पसंद थी, तो वो भी वहाँ आ जाया करता था। धीरे धीरे वो सब दोस्त बन गए थे। बहुत दिनों बाद शिन और एम्मा छत पे लंच कर रहे थे, पर इत्सोमी का कुछ अता पता नहीं था।
उस दिन शिन ने कहा था, क्या मैं तुम्हारे बालों को टच कर सकता हूँ? एम्मा मान जाती है। शिन ने कहा था, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। फिर उसने उसके बाल बनाए थे और एम्मा को वो स्टाइल बहुत पसंद आया था। तब शिन ने उसे पहली बार बताया था, वो हेयर स्टाइलिस्ट की ट्रेनिंग ले रहा है और ये सीडी के लिए उसका थैंक्स कहने का तरीका है। और उसी दिन शिन उससे पूछता है, क्या तुम इत्सुओमी को लाइक करती हो? एम्मा ने कहा था, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। और साथ ही उसने ये भी बताया था कि वो बार बार उससे डेट के लिए पूछ रही है पर वो बार बार उसे रिजेक्ट कर रहा है। शिन पूछता है, तुम्हें उसके बारे में क्या पसंद है? एम्मा कहती है, सब कुछ। वो कहती है, जब मैंने पहली बार उसे देखा मुझे लगा मेरा राजकुमार खड़ा है, वो सीधा मेरे दिल में बस गया। वो कहती है, तुम भी बहुत पॉपुलर हो, तुम्हारी भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होगी ना? शिन कहता है, किसे पता? एम्मा कहती है, बात टाल रहे हो। और फिर किसी दिन शिन ने इत्सुओमी से पूछा, वो एम्मा को डेट क्यों नहीं कर रहा? इत्सुओमी ने कहा, उसे रिलेशनशिप में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर किसी दिन एक लड़की ने शिन को प्रपोज किया और शिन ने हाँ कर दिया, क्योंकि उसका मानना था एक बार वो सब स्कूल पास हो जाएंगे तो इत्सुओमी और एम्मा रिलेशनशिप में आ जाएंगे। उसे पता था चाहे वो एम्मा से कितना भी प्यार कर ले पर वो इत्सुओमी से नहीं जीत पाएगा। वो चाहता था जैसा वो अभी फील कर रहा है एम्मा को वैसा फील ना करना पड़े। फिर एक दिन इत्सुओमी, एम्मा और शिन छत पे लंच कर रहे थे। एम्मा शिन से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। तभी शिन की गर्लफ्रेंड छत पे आ गई थी और उसने लंच फेंक दिया था। वो कहती है, मैंने कहा था ना आज मैं लंच बना कर लाऊंगी, पर तुम हमेशा इन दोनों के साथ ही होते हो। मैं तुम्हारी ड्रीम गर्लफ्रेंड नहीं हूँ ना, मुझे पता है तुम एम्मा से प्यार करते हो। एम्मा शॉक हो जाती है। वो लड़की कहती है, मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी, तुम उसे जैसे देखते हो ये क्लियर था कि तुम उसे प्यार करते हो। तुम मुझे जीरो टेंशन देते थे, तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें उसी से डेट के लिए पूछना चाहिए, दूसरी लड़कियों को रिप्लेसमेंट की तरह यूज करना बंद करो। शिन को एम्मा से प्यार तो था पर उसको याद आता है वो इत्सुओमी के लिए पागल है। वो कहता है, एम्मा एक ऐसी लड़की है जिससे मुझे कभी प्यार नहीं हो सकता। और सीन प्रेजेंट में आ जाता है, उसने एम्मा के बाल बना दिए थे और वो उसे बताने भी वाला था। तभी एम्मा कहती है, तुम मुझे सुंदर बनाने के मास्टर हो, काश इत्सुओमी नोटिस कर पाता मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। शिन कहता है, तुम उससे प्यार करती हो ना, कोई हेजिटेशन तो नहीं है? एम्मा कहती है, मेरा दिल उसके लिए प्यार से ओवरलोडेड है। और शिन उसे इत्सुओमी के रिलेशनशिप के बारे में नहीं बता पाया। अगले सीन में युकी और रिन कॉलेज में बात कर रहे थे। इत्सुओमी उन्हें ज्वाइन करता है और युकी को पीछे से हक कर लेता है। रिन कहती है, काश क्यूया भी हमें ज्वाइन कर पाता, हम चारों कहीं घूमने चलते। इत्सुओमी ये बात युकी को कहता है, युकी मान जाती है। इत्सुओमी कहता है, क्या तुम साइन लैंग्वेज बूट कैंप जाना चाहती हो? युकी खुश हो जाती है जिसका मतलब हाँ था। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।